हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन में जो ओरा ट्रियो है उसमें से सबसे पावरफुल कौन है, यानी अवलटल, ज़ायगार्ड और ज़र्नियस में से सबसे पावरफुल कौन है। तो चलिए यार, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं दिया, लाइक दे देना, शेयर दे देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को प्रेस कर देना बेल आइकन को। तो चलिए यार, शुरू करते हैं। तो यार, अगर हम सबसे पहले अवलटल का चार्ज देखें तो इसकी टोटल 680 होती है और HP 126 है, अटैक 131 है और डिफेंस 95 है, विच इज़ गुड फॉर एवरी लेजेंडरी पोकेमोन। ये अच्छा स्टैक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज़र्नियस का स्टैक देखें तो उसका भी कुछ 680 टोटल है, 126 HP है, अटैक भी 131 है और डिफेंस भी 95 है। तो ये इक्वल पॉइंट्स मैं देता हूँ इन दोनों को पावर के मामले में। लेकिन अब अगर हम ज़ायगार्ड पर आएँ और उसके स्टैक्स देखें तो उसका स्टैक जो है, अगर मैं फुल कंप्लीट फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके स्टैक 708 है, इसमें से HP 216, अटैक 100, डिफेंस 121। तो यार, जो है ना, इसमें जो लीडर है वो है ये ज़ायगार्ड। अगर आप बात बोलो कैसे भाई सबसे ख़तरनाक तो ये अवलटल है, तो मैं आपको बता दूं यार, मुझे लगता है, जो कि एक थ्योरी के वाइज है, कि अर्कियस ने तीन ओरा ट्रियो बनाए। एक यवलकल जो डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया, कोई भी तो पोकेमोन हो उसे हरा सके, और ज़र्नियस की उसके बराबरी का पोकेमोन है जहाँ पे यवलकल तबाह करना चाहता है दुनिया को, ज़र्नियस वापस से बना सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ही पोकेमोन गड़बड़ करे कभी भी अपने काम में, उसके लिए तीसरा पोकेमोन बनाया है ज़ायगार्ड, यानी ओरा ट्रियो का लीडर ज़ायगार्ड है। और मुझे लगता है यार, ज़ायगार्ड ही बेस्ट पोकेमोन है। अगर मैं देखूँ, उस पर तीन फॉर्म होती है, क्या मस्त है। अगर यार ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।